सुनील को ऑफर करो, सुनील ले ले यार अपने दो घर के लिए इसमें से बोल भाग रहा है तो। पेट भर गया तेरा वैसे पूरा पूरा भर गया इसका पेट यार, काला माल डाल दिया इसको चाय में मैंने। अभी हम चाय देंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज हम फिर से जा रहे हैं शूट पे, और मेरे साथ मेरे चाचू जी का लड़का वही सुजल जगोत्रा। कल मैंने इसकी मतलब बर्थडे मतलब बड़ा ज़्यादा इसको परेशान किया होगा, किया परेशान नहीं, नहीं। तो मुझे मैंने जैसे वीडियो अपलोड करी तो मुझे कई बंदे मतलब पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे या कुछ भी हुआ तो बोलने लगे कि यार अभी क्या कर रहा है तू, मतलब किसी और को काम सिखा रहा है ये वो। तो मैंने कहा यार जहाँ पूरी दुनिया हमें लूटने पे आई हुई है, अगर कोई अपना बंदा हमसे सीख के आगे काम भी करेगा तो अपना तो है ना। तो मेन चीज़ ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता, किसी सीखने से या सिखाने से काम कम नहीं होता, बढ़ता ही है भगवान की मेहर से। तो ऐसी मेंटालिटी भी ना रखा करो प्लीज़ दिमाग में। तो अभी हम जा रहे हैं शूट पे, तो शूट होने जा रहे हैं GDC कॉलेज के पास, वहाँ पे भी मुंडन सेरेमनी है। तो अभी जाके वहाँ पे फिर आपको बताते हैं। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, आज फिर से बारी बुलेट पे है, तो होप्स हो कि ट्रैफिक आज ना हो, वरना आज मामे ने छटना नहीं है। चलो मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला था टाइम 8:30 का, तो मैं पूरे 8:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाऊँ, लेकिन अभी तक तैयारी हुई है। तो जैसे मेरा फ्रेंड आता है मुझे लगता है तैयारी होना शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र को जल्दी से बुला लेते हैं कोई 1-2 घंटा, वो इसलिए ताकि क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र हमेशा लेट आते हैं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी, मैं अपने मतलब मैंने स्टार्टिंग से NCC वगैरह भी रखी हुई थी जहाँ मतलब स्टडी टाइम, तो हमेशा टाइम की कदर करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं हर जगह टाइम पे पहुंच जाता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मुझे 2-3 घंटे पहले बुलाना पड़े। फिक्स टाइमिंग दे दो आप, तो जब आप बोलोगे पहुंच जाऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं हमेशा आधा घंटा घंटा एडवांस रहता हूँ, अभी तक देख सकते हो आप पीछे कोई ऐसा वैसा है नहीं। तो अभी मुझे कोई 1.5 से 2 घंटे आगे पीछे कहीं करने पड़ेंगे किल, तो उसके बाद फिर जब शूट होगा कोई 10:30 के करीब करीब यहाँ का, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ 10:30 से 11 बजे से पहले शूट नहीं होगा, तो फिर वो करते हैं दिखाते हैं फिर आप। सुजल को ऑफर कर दो, सुजल ले ले यार अपने दो घर के लिए इसमें से बोल भाग रहा है जो। यार एक चीज़ ना मुझे गांव की बड़ी पसंद आती है, मतलब थोड़ी सेपरेट से कि देखो ना एक सिंगल घर होगा लेकिन अच्छा बनाया हो, खुला खुला, मैं दिखाऊंगा आगे जाके बाद में। और सब्जियां लगाई हुई हैं देखो, हरियाली चारों तरफ, नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। तो इस चीज़ का मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है कि खुली खुली जगह है। ये है एलिफेंटर मेरा जा रहा है, इसके भतीजे का वो होगा आज मुंडन सेरेमनी। बच्चा थोड़ा सा तंग कर रहा है, और बच्चे की कटिंग ना सबसे मुश्किल होती है, जल्दी से फिनिश करके कर निकलता है। थोड़ा सा काम ख़त्म करके अभी मित्री छित्री डलनी है इनकी, खाना वाना खा के पेट दर्द हो रही। मैंने वीडियोस तब नहीं बनाई क्योंकि 2-4 बंदे और भी थे पास में, वरना इसकी हालत बताता। पेट भर गया तेरा, पूरा पूरा भर गया इसका पेट। यार एक ना आप देखोगे कितना मतलब खुला खुला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सारा सिस्टम। और सब्जी देखो कितनी लगाई हुई है, मैं दिखाऊंगा। प्याज लगा हुआ है, ओनियन,
अरे भाई को फुल मजे दिलवाने हमने लाइफ में। हालत देखो हमारी कैसे हो गई, काम ही खत्म, सिर्फ एक घंटे का काम बताया था। काला मार डाल दिया इसको चाय में मैंने। अभी हम चाय देखें, शूट अभी कंप्लीट हो गया, कल आना है बोलते हैं एक घंटे के लिए। आज भी 10 मिनट के लिए आए थे तो मुझे लगता है दो ढाई बज गया ना। शर्माता है बोलता तो चाय पीते हैं फिर यहाँ से जल्दी से निकल गए। तो अभी हम जा रहे हैं घर को, कल देखेंगे अगर कल का क्या शूट रहता है हमारा, तो जैसे ही इंक्वायरी आई तो हम बता देंगे ब्लॉग में।